भदोही से बड़ी खबर है, एसपी विधायक जाहिद बेग ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। जाहिद बेग ने सीजीएम कोर्ट में सरेंडर किया है। कोर्ट के बाहर सपा समर्थकों ने हंगामा भी किया। सपा समर्थकों और पुलिस कर्मियों में झड़प हुई है। नौकरानी की आत्महत्या मामले में चल रहे थे फरार विधायक को बनाया गया है आरोपी। कोर्ट ने 14 दिन के लिए भेजा है जेल। बेग के खिलाफ श्रम एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ है। आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर के भी मामला चल रहा है। बेहद किया गया है, जिस तरह न्यायालय के अंदर मुझे पीटा गया, पुलिस वालों ने पीटा, ये सब लोग देखा है। मैं न गुंडा हूँ न बदमाश हूँ। जिस तरीके से किसके इशारे किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, मुझे इस बात का पता नहीं है। जाहिद बेग के खिलाफ जो नौकरानी की आत्महत्या के विरोध में मुकदमा दर्ज था, उसमें जाहिद बेग आज न्यायालय में उपस्थित हुए हैं। सीजीएम न्यायालय में उन्होंने आत्मसमर्पण किया और न्यायालय ने उन्हें अभिरक्षा में लेकर जेल भेजने का आदेश दिया। 14 दिन का न्यायिक रिमांड होता है ये, और इस बीच जब अधिवक्ताओं के चेंबर में जाहिद बेग आ गए तो पुलिस प्रशासन ने बहुत अनैतिक और विधिक काम में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया। अधिवक्ताओं के साथ धक्का मुक्की किया है, जिसके संबंध में हम लोग बैठक करेंगे और इसके लिए हम लोग बार काउंसिल को और उच्च न्यायालय को लिखेंगे और इसके बारे में सुरक्षा और उचित कार्रवाई की मांग करेंगे।